दोस्तों, आप सभी का डेली जॉब अपडेट में स्वागत है। दोस्तों, तो दोस्तों आज जो वैकेंसी हमने लाने की कोशिश की है नागपुर सिटी के लिए, विभिन्न पदों के लिए आज वैकेंसीज ओपन हो चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथ में दोस्तों, जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से भी यहाँ पे वैकेंसीज ओपन हो चुकी है, तो इसके बारे में भी नागपुर सिटी के जो वैकेंसीज ओपन हो चुकी है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सभी के लिए आज वैकेंसीज अवेलेबल है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखकर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको किस प्रकार अप्लाई करना होगा सभी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, आप फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर आए हो और डेली जॉब रिलेटेड अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसका लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, जो फर्स्ट वैकेंसी जैसे कि देख सकते हैं, जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से वैकेंसीज है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे री इंगेजमेंट फॉर रिटायर्ड रेलवे स्टाफ के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ओर से 2 वैकेंसीज, देन उसके बाद सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए दोस्तों 2 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे सिग्नल और टेली के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ से 2 वैकेंसीज है दोस्तों, और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिकल जनरल के लिए 2 वैकेंसी। ऐसे टोटल 10 वैकेंसीज यहाँ पर निकल रही हुई दोस्तों। तो दोस्तों, ये वैकेंसी रिटायर्ड स्टाफ के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है दोस्तों, डायरेक्ट वैकेंसीज है। तो आप अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ पे, तो आपको 4 मई के पहले आपको यहाँ पे जो इनका ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस दिए गए ईमेल आईडी पर आपको आपका एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करके सबमिट करना होगा, ठीक है। तो आप ये इसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। इसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल डेली जॉब अपडेट 22 करके वहाँ पे मिल जाएगा, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो फॉर्म निकाल कर आपको सबमिट करना होगा दिए गए ईमेल आईडी पर। तो दोस्तों, इस दिए गए ईमेल आईडी पर आप आपका फॉर्म, देन उसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट, पेंशन आइडेंटिटी कार्ड, पेमेंट ऑर्डर, ऐसे सभी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे सबमिट करना होगा। वो भी आपको 4 मई के पहले सब कुछ यहाँ पे करना है दोस्तों। देन उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों, आप देख सकते हैं अर्थोस फैब प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी की ओर से दोस्तों नागपुर सिटी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए दोस्तों 4 वैकेंसीज है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका मिनिमम 12वीं या ग्रेजुएशन पास अगर हो तो आप यहाँ पे इजिली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मशीन हेल्पर के लिए दोस्तों 1 वैकेंसी है, मेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 10वीं पास अगर आप हो तो अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए दोस्तों 3 वैकेंसीज है, मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का नॉलेज होना चाहिए। देन ब्लाइंड मेकर के लिए दोस्तों 1 वैकेंसीज है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए दोस्तों 2 वैकेंसीज है, मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। टेलीकॉलिंग के लिए दोस्तों 2 वैकेंसीज है, मेल फीमेल अप्लाई कर पाओगे। इसके लिए मिनिमम 12वीं पास अगर आप हो और साथ में गुड कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए टेलीकॉलिंग के लिए दोस्तों। जब उसके बाद मशीन ऑपरेटर के लिए दोस्तों 1 वैकेंसीज है दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पे डायरेक्टली वॉक इन रखी हुई है, तो आपको दिए गए मोबाइल नंबर पे कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना है दोस्तों। तो दोस्तों, अब तक कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद मारुति सुजुकी, ये शोरूम की ओर से यहाँ पे वैकेंसीज ओपन हो चुकी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एचआर एडमिन मैनेजर के लिए दोस्तों 1 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो इसके लिए दोस्तों मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आपको 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन उसके बाद फाइनेंस मैनेजर के लिए दोस्तों 1 वैकेंसीज है, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद रिसेप्शनिस्ट मैनेजर के लिए दोस्तों टोटल 15 जगह यहाँ पे निकली हुई है दोस्तों, इसके लिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो रिलेशनशिप मैनेजर के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ब्रह्मपुरी, अरमोरी, मूल, चिमूर और अल्लापिली, ऐसे लोकेशन के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन अगर आप पास आउट हो तो अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों, इसके लिए एज अ फ्रेशर्स कैंडिडेट अगर आपको आपको कुछ किसी प्रकार का आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 26 और 27 तारीख को ऐसे 2 दिन यहाँ पे इंटरव्यू चलने वाली है, सुबह 10 से 5 बजे, जो नेक्सा शोरूम, प्लॉट नंबर 1518, यशवंत नगर, अपोजिट सचिन होटल, चंद्रपुर। तो ये दिए गए एड्रेस पर आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और साथ में यहाँ पे इनका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, hr.nexa@nexadealers.com, ये दिए गए ईमेल आईडी के माध्यम से भी आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। देन दोस्तों, उसके बाद निवी फूड एंड बेवरेज की तरफ से यहाँ पे नागपुर सिटी के लिए वैकेंसीज है दोस्तों। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ऑडिट असिस्टेंट के लिए दोस्तों 3 वैकेंसीज ओपन हो चुकी है। तो इसके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन आप पास आउट हो तो भी आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज अ फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों भी एलिजिबल है दोस्तों। अगर आपका रिज्यूमे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद अकाउंटेंट के लिए दोस्तों टोटल 6 वैकेंसीज है। इसके लिए मिनिमम आपका बीकॉम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए भी आप एज अ फ्रेशर्स हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे दिए गए ईमेल आईडी के माध्यम से आपको आपका एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। देन अदर डिटेल्स के लिए आप दिए गए मोबाइल नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके पूरा डिटेल्स लेकर आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। देन दोस्तों, उसके बाद वैकेंसी जो निकली है दोस्तों अमेजिंग टीम की ओर से यहाँ पे वैकेंसीज ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर वेरियस पोजीशन पर वैकेंसी, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है, मिनिमम 12वीं पास अगर आप हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैनेजर ऑपरेशन एंड सेल्स होम लोन के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है। देन उसके बाद दोस्तों म्यूचुअल फंड एनालिस्ट के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है, अकाउंटेंट के लिए भी वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको, साथ में सेक्रेटरी और सोशल मीडिया मेकर के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है। तो दोस्तों, वेरियस पदों पर यहाँ पे वैकेंसीज ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ पर तो दोस्तों आप देख सकते
सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली भी इंटरव्यू को जा सकते हैं आप, या तो फिर आप दिए गए ईमेल आईडी के माध्यम से भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं care@bharatparakh.com या दिए गए ईमेल आईडी के माध्यम से आप यहाँ पे डायरेक्टली आपका रिज्यूमे यहाँ पे सेंड करके आपका अप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको दिए गए मोबाइल नंबर पर जो है 9899874217, ये दिए गए मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके पूरा डिटेल्स लेकर आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों आपका इंटरव्यू नागपुर सिटी में होने वाला है, जो इनका हेड ऑफिस है LIC ऑफ इंडिया नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग किंगवे नागपुर। तो एड्रेस पर आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जाना होगा, जो भरत पारेख ये ऑफिस की ओर से वैकेंसीज है। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाइए, जिस इंटरव्यू दीजिए दिन उसके बाद ही आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। देन दोस्तों उसके बाद की वैकेंसीज है विद्या निकेतन MME स्कूल की ओर से वैकेंसीज है नागपुर सिटी के लिए, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट की ओर से वैकेंसी, जैसे कि प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे और सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं प्लस DED, या तो फिर आपने एनी ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया हुआ है और साथ में आपने BED कंप्लीट किया हुआ है, तो आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मिडिल एंड हाईस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश मराठी हिंदी SST मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। तो दोस्तों यहाँ पे आप BA MA BSc पास आउट कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्लर्क के लिए भी वैकेंसीज अवेलेबल है। तो दोस्तों क्लर्क के लिए आपका क्वालिफिकेशन BCA प्लस गुड नॉलेज फॉर कंप्यूटर एंड टाइपिंग का नॉलेज अगर आपके पास है तो आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे 27 एंड 28 ऐसे 2 दिन यहाँ पे इंटरव्यू रहने वाले, सुबह 10 से 2 बजे आप डायरेक्टली जो मिले अमरावती रोड नागपुर, ये एड्रेस पर आप डायरेक्टली इंटरव्यू जा सकते हैं। अदर डिटेल्स के लिए आप दिए गए मोबाइल नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके पूरा डिटेल्स लेकर आप यहाँ पे इंटरव्यू जाइए दोस्तों। जी दोस्तों उस पर आरोग्य सेवा संशोधन संस्था की ओर के यहाँ पे वैकेंसीज है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सीनियर अकाउंटिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे MBA फाइनेंस कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 1 वैकेंसीज है। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ पे दिए गए ईमेल आईडी के माध्यम से आप यहाँ पे आपका रिज्यूमे सेंड करके आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। फिर दोस्तों उसके बाद दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ नर्सिंग की ओर से यहाँ पे वैकेंसीज ओपन हो चुके हैं नागपुर सिटी के लिए। तो दोस्तों जो दत्ता मेघे हॉस्पिटल है, जो कॉलेज है, तो इसके ओर से यहाँ पे उन्होंने मेडिकल सर्जरी नर्सिंग के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट की ओर से टोटल 2 वैकेंसीज है, प्रोफेसर असोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज ओपन हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के लिए दोस्तों 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है, 1 वैकेंसी ओपन हो चुकी है ओपन कैटेगरी वाले के लिए। फिर दोस्तों उसके बाद क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर और ट्यूटर के लिए दोस्तों टोटल 20 जगह से यहाँ पे वैकेंसीज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज उन्होंने वैकेंसीज ओपन हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि जो वैकेंसी उन्होंने निकाले दोस्तों ये परमानेंट बेसिस पर वैकेंसीज है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपको पेमेंट मिलेगा वो 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी आपको यहाँ पे देने वाले दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ पर तो अच्छी खासी वैकेंसीज है, अच्छा खासा पेमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों आपको 13 मई के पहले यहाँ पे अप्लीकेशन सबमिट करना होगा। दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं दिए गए ईमेल आईडी है इनका, तो दिए गए ईमेल आईडी पर आप आपका रिज्यूमे आप सेंड कर सकते हैं, या तो फिर आप द सेक्रेटरी नगर युवक शिक्षण संस्था अट्रिले और प्रताप नगर नागपुर, तो ये एड्रेस पर भी आप डायरेक्टली आपका अप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट पे भी जाकर पूरा डिटेल्स देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसका लिंक शेयर कर सकते ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। देन दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज ओपन हो चुकी है, महिला के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, जो विवाहित महिला है उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी है। दोस्तों यहाँ पे मिनिमम 12वीं अगर पास हो आप और साथ में आपने MSc IT कुछ कंप्यूटर का कोर्सेज आपने कंप्लीट किया हो, आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 25 से 35 ईयर तक होनी चाहिए और यहाँ पे 9 से 10 हज़ार रुपये सैलरी फिक्स सैलरी आपको दी जाएंगी। तो दोस्तों दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो शिवनकर इलेक्ट्रॉनिक ओंकार नगर नागपुर यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू जाना होगा। फिर दोस्तों उसके बाद टेक होप इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी की ओर से वैकेंसीज है। तो दोस्तों ये वैकेंसीज सिविल इंजीनियर के लिए दोस्तों वैकेंसी ओपन हो चुकी है। दोस्तों अकाउंटेंट पद के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है, स्टोरकीपर और टेलीकॉलर ऐसे 4 पदों पर यहाँ पे वैकेंसीज ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है आपका एजुकेशन रिलेटेड कंप्लीट हो चुका है तो दिए गए ईमेल आईडी के माध्यम से आप यहाँ पे अप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसीज है बंगाली एजुकेशन सोसाइटी जो कि गोंदिया के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों इन्होंने वेरियस सेक्शन के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। जैसे कि हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है, साइंस सब्जेक्ट पढ़ाना होगा आपको तो BSc BEd आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद हाई स्कूल के दोस्तों BA के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाना होगा आपको 1 वैकेंसी है, इसके लिए आपका BA BEd कंप्लीट होना चाहिए इंग्लिश में। उसके बाद प्री प्राइमरी के लिए दोस्तों एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, टोटल 4 वैकेंसीज है। दोस्तों ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना होगा यहाँ पे प्री प्राइमरी के बच्चों को। उसके बाद कंप्यूटर के लिए दोस्तों 4 वैकेंसीज है, इसके लिए एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आपको MSc IT फोटोशॉप स्केच और GIMP का नॉलेज होना चाहिए तो ही आप यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्राइमरी टीचर के लिए दोस्तों टोटल 2 वैकेंसीज अवेलेबल है, इसके लिए दोस्तों आपका एनी ग्रेजुएट कंप्लीट है वो साथ में आपने DED कंप्लीट किया हुआ है तो आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो
दोस्तों जो कैंडिडेट यहाँ पे इंटरेस्टेड है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ पे तो आपका रिज्यूमे यहाँ पे सबमिट करना होगा 2 मई के पहले। आपको इनका जो एड्रेस है बंगाली जीवन सोसाइटी रेल टोली गोंदिया, तो ये एड्रेस पर आपको डायरेक्टली सबमिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद ही आप यहाँ पे आपका रिज्यूमे अगर शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरव्यू बोला जाएगा। तो अदर डिटेल्स के देंगे, मोबाइल नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट करके पूरा डिटेल्स ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद वैकेंसीज है गोंदिया के लिए। दोस्तों यहाँ पे जैसे देख सकते हैं नव चैतन्य शिक्षक संस्था की ओर से यहाँ पे वैकेंसीज ओपन हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पे मराठी माध्यम स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। 16 से 18 हज़ार में आपको सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ पे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आपका अप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, या तो फिर आप 3 तारीख को यहाँ पे डायरेक्टली इंटरव्यू रखते हुए सुबह 10 से 11 बजे जो एड्रेस है ओल्ड गोंदिया गांधी वार्ड गोंदिया, ये एड्रेस पर आप डायरेक्टली जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद वैकेंसी है पीआर कोटे इंटरनेशनल स्कूल की ओर से वैकेंसी है अमरावती के लिए। तो यहाँ पे वेरियस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ पे तो 2 मई को यहाँ पे इंटरव्यू रहेगी सुबह 10 से 1 बजे। आप जो पीआर कोटे पाटिल इंटरनेशनल स्कूल अमरावती यहाँ पर है तो दिए गए एड्रेस पर आप 2 तारीख को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा पाओगे। लेकिन दोस्तों उसके बाद वैकेंसी है प्रबुद्ध हाई स्कूल की ओर से वैकेंसी है गढ़चिरौली के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे टीचर्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी ओपन हो चुकी है। दोस्तों ये वैकेंसी अल्पसंख्यक खाली पद भरने के लिए यहाँ पे अनुदानित 100% यहाँ पे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग यहाँ पे वैकेंसी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, जो इसका एड्रेस है जिसे 30 अप्रैल को आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जाना होगा। ये एड्रेस पर तो दिए गए एड्रेस आप देख सकते हैं, इस पर आप इंटरव्यू के लिए जाइए और यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं आप। लेकिन दोस्तों उसके बाद अरविंद इंदो पब्लिक स्कूल की ओर से वैकेंसीज है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने वेरियस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए यहाँ पे वैकेंसीज उन्होंने निकाली हुई है। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है। तो यहाँ पे पीआरटी पीजीटी पीईटी अदर्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए वैकेंसीज है। तो आपको यहाँ पे ईमेल के माध्यम से अप्लाई करना, आप देख सकते हैं दी गई ईमेल आईडी पर आपका रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। देन उसके बाद ही आपका रिज्यूमे वहाँ पे शॉर्टलिस्ट होने के बाद आप यहाँ पे इंटरव्यू जा पाओगे। दोस्तों इस प्रकार आज की वैकेंसी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली बेस हम डेली बेस पर आपके लिए डेली नोटिफिकेशन लाते रहते, तो आपको टाइम पर मिले इसके चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और इंटरेस्टिंग जॉब लेकर आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।